तो आज मैं आपको अपने वीकली व्लॉग में क्या क्या दिखाने वाली हूँ, स्किन केयर, हेयर केयर, और आज मैंने अपने बालों पे कौन सा हेयर ऑयल लगाया है और उसकी क्या क्या खसूसियातें और क्यों लगाना चाहिए, उसके क्या क्या मतलब बालों को उससे फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, और मेरे चेहरे पे मैंने क्या लगाया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो आप मेरे वीलॉग से जुड़े रहे आखिर तक, और क्या क्या रेसिपीज़ में इस वीलॉग में बताने वाली हूँ, और क्या क्या मैंने खाया, क्या क्या मैंने स्किन केयर की पूरे वीक। सो आप प्लीज़ जुड़े रहिएगा और स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा मेरे वीलॉग को, और काफ़ी कुछ आपको पता चलेगी रेसिपीज़ के बारे में और बालों के बारे में, स्किन के बारे में। सो जुड़े रहे मेरे वीलॉग से, मेरे चैनल से, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जब भी आप वीडियो देखें। सो एंजॉय करें मेरा वीलॉग। आज मैं बालों में ये लगाने वाली हूँ 2 से 3 ड्रॉप्स, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये चीज़ बहुत अच्छी है बालों के लिए, अगर लेकिन रेगुलर में आप मत लगाए, 15 दिन में या 20 दिन में आप लगा सकते हैं। और अगर और ज़्यादा आपको मालूमात चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इस पे मैंने काफ़ी अपनी वीडियोस में काफ़ी कुछ बताया है अबाउट दिस ऑयल। सो आपको पूरी वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो उससे आपको काफ़ी मालूमात मिल जाएगी। ये मेरा आज का नाश्ता है, और आज 9 चाय, और ये सॉसेजेस हैं जो बड़ी वाली होती हैं, और ये स्पाइसी वाली सॉसेजेस हैं, चिकन सॉसेजेस, और थोड़ा सा फ्रूट है। तो आज 9 चाय आज जूस के साथ ही नाश्ता करूँगी। आज मैंने प्रॉन थोड़े अलग तरीके से बनाए हैं, और इसमें मैंने आलू, कुकम्बर वगैरह डाले हैं। ये शायद मैंने सेकंड टाइम बनाए तो बहुत अच्छे हैं। आज भी मैंने थोड़ी सी रेसिपी चेंज की है, सो नेक्स्ट टाइम अगर मैं बनाऊंगी तो फिर मैं आपको स्टार्ट से दिखाऊंगी कि किस तरह ये बनाते हैं, क्योंकि मोस्टली मैं अलग तरीके से बनाती थी, कोकोनट मिल्क या कोकोनट क्रीम के साथ या टोमेटो में, और खाली सिर्फ प्रॉन होते थे जो टाइगर प्रॉन होते हैं। लेकिन इस टाइम मैंने ये थोड़े से अलग बनाए, कुकम्बर है और ये आलू, ये मैंने फर्स्ट टाइम कहीं देखा था, किसी ने मुझे बताया था, और फिर मुझे लगा कि मुझे भी बनाने चाहिए।
अब ये गरम गर्मा गर्म रेडी है। आपकी मर्ज़ी वाइट राइस के साथ खाएं, आपकी चॉइस ब्राउन राइस के साथ खाएं, आपकी चॉइस होगी कि जो वाइट चपाती होती है उसके साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएं बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है। चिकन कढ़ाई हम कह सकते हैं आई थिंक सो, बिकॉज मैंने एक भी टमाटो नहीं डाला, सिर्फ मैंने दही में ये बनाया है और मसाले शसाले डालकर, तो इसमें मैंने टमाटो एक भी नहीं डाला। गाइस ये मेरा आज का लंच है, ये शलजम है, गर्मा गर्म एक रोटी और अचार वगैरह है, और ये मेरी लस्सी है। ये मेरा आज का लंच होगा, सो यमी यमी।